हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है सैटरडे और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना व्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो चलिए, आज मैं अपना व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। और अभी बज रहे हैं 8 और पीयू पापा सो रखे हैं, और तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो चलिए, तो आज मैं बना रही हूँ, आज ये बनाने जा रही हूँ पोहा। चलिए बनाती हूँ पोहा। तो मैंने ले लिया है पोहा। अब मैं इसको एक बाउल में ले लूँगी और इसको अच्छे से थोड़ा सा धो के और इसे रख दूँगी एक तरफ। ऐसे हमने भिगाना नहीं है, बस सिर्फ धो के रखना है। अगर हम इसे भिगा के रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, जो खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बस सिर्फ इसे धोना है। और अब मैंने ले लिया एक कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ, उससे पहले मैं इसमें मूंगफली फ्राई करूँगी क्योंकि एक अच्छी मूंगफली होती है। थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करूँगी मैं इसको। और मैंने इसके लिए लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज और लिया है मैंने इसमें राई और हींग पाउडर। और बस मैं इसमें घर के मसाले ही डाल रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने मूंगफली रोस्ट कर ली है। अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा डालूंगी सरसों का तेल। और अब डाल रही हूँ इसमें हींग पाउडर, जीरा, राई। अब डाल दूंगी कटे हुए प्याज। बस अब इसको भूनूंगी अच्छे से। अब प्याज हमारी भुन गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पोहा और अब इसमें डालूंगी मसाले। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर और गरम मसाला। आप चाहे तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें मिर्ची नहीं डाल रही क्योंकि पीयू मिर्ची नहीं खाती है। और डाल रही हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर। बस अब इसको अच्छे से मिलाऊंगी और उसमें मूंगफली ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर से चलाना है। बस इसके बाद हमारा पोहा रेडी है खाने के लिए। हेलो, तो अभी बज रहा है 3 और मेरा सारा काम हो गया है, खाना पीना सब हो गया है और पीयू सो गई है। तो चलिए, आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ इतनी देर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं गई थी मम्मी के घर होली पर, तो होली से हम आ गए हैं। तो देख दिखाती हूँ मैं आपको मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया है मुझे होली का। तो मम्मी ने दिलाया मुझे ये सूट, तो मैंने तब से इसे कितनी बार खोल कर लगा के देख लिया है। बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सूट। मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहा है। और इसमें इस तरह से पैनल दिया गया है नीचे पे, और मैं इसको सिलूंगी अभी। और ये इस तरह का पैन दिया गया है और सबसे अच्छा लगा मुझे इसका ये दुपट्टा, क्योंकि तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम लोग कैसा लग रहा है ये। सूट की कटिंग
तो बताती हूँ आपको कैसे करती हूँ सूट की कटिंग। मैं अपने सूट अपने आप ही सिल लेती हूँ घर में, सही रहता है ना, अपने आप अपने सूट सिल लो, तो जब मन करा तब सिल लिया, तब जब मन करा तब पहन लिया। तो बस मुझे तो जल्दी रहती है, जैसे नए कपड़े आते हैं तो मुझे तो जल्दी ही रहती है कि बस जल्दी से रेडी हो जाए। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे सिलती हूँ मैं अपने कपड़े। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ देख रही हूँ, तो लेंथ मेरे लिए मैं पूरी लेंथ रख रही हूँ उसकी। तो अब मैं इसे तो इसमें ये पट्टी दी गई है, सबसे पहले मैं इस पट्टी को अलग कर लेती हूँ क्योंकि ये गले में लगेगी और फिर ये काटना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे अलग कर लेती हूँ पहले से ही। तो तब तक मैं आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। तब तक अंशु गया है नानी के घर और अंशु के थे एग्ज़ाम। तो क्या हुआ, जैसे ही हम लोग घर से इधर आए ना, तो एक दिन बाद जैसे अंशु उसको एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो पता चला कि कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम वो स्कूल बंद कर दिए हैं, तो बस इसलिए उसके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। तो अंशु हो गया खुश और वो चला गया नानी के साथ नानी के घर। और जैसे ही वो घर पहुँचे तो फिर अगले दिन फिर मैसेज आया कि एग्ज़ाम होंगे। बस अब इसलिए मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, मैंने अंशु को छोड़ने आना पड़ेगा, तो इस वजह से उनकी वो हो गए, मैंने उन्हें परेशान कर दिया इतनी दूर से लाना ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने खुद ही उन्हें परेशान कर दिया, पहले तो वो लेकर चलेगा उसे, फिर उसके बाद उसे अब छोड़ने आना है। तो देखिए मैंने ये कर लिया है सूट का ये अलग, अब मैं इसको ऐसे बिछा रही हूँ। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप लोगों को सूट सिलना नहीं आता है तो आप लोग भी घर पर एक बार ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे, मैं ले रही हूँ इसकी 13। तो पहले मैंने लंबाई देख ली, अब मैं ले रही हूँ इसका 13। सात इंच, सात इंच ही रखते हैं नॉर्मली सब, और नीचे इधर भी ले रही हूँ मैं सात। और यहाँ से लगाएंगे हम चेस्ट का निशान, जितनी हमारे चेस्ट होगी चेस्ट का फोर्थ पार्ट, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी चेस्ट 36 है और उसमें उसका फोर्थ पार्ट 9 हो गया और उसमें 2 इंच यानी 11 लेंगे, और इधर लेने हम 14 इंच, ऊपर से 14 इंच लगाकर नीचे कमर का निशान, वही करना है फोर्थ पार्ट और 2 इंच प्लस। अब बस इस तरह से इसे मिला देना है, और यहाँ पर लेंगे 1 इंच का निशान आर्म होल की कटिंग के लिए। और हम लगाएंगे सबसे नीचे पे पल्ले का निशान, जितने हमारे पल्ले होंगे, और वहाँ से इसको मिलाकर स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। यहाँ से ले रही हूँ मैं 15 इस तरफ करके, थोड़ा सा तिरछा करके, और अब यहाँ से इसको सीधा कर दूँगी बस। तो ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब इसको रख कर मैं पीछे वाला बैक पार्ट भी कट कर लूँगी। तो बस ये थी सिंपल सी सूट की कटिंग। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते होंगे तो वो भी बताइएगा, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी बता दूँगी। बस इसको कट कर लेंगे हम। जब अंशु इधर रहता है तो ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाए, क्योंकि बहुत परेशान करता है, पर अब वो यहाँ पर नहीं है तो बहुत अजीब सा लग रहा है, उसके बिना अच्छा भी नहीं लग रहा है। होता है ना कि बच्चे जब घर में रहते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, और जब कहीं चले जाते हैं तो मन में नहीं लगता है उनके बिना। बट कोई बात नहीं, पीहू है इधर अभी और अंशु गया है नानी के साथ, थोड़ी देर उसे भी मस्ती करने दो। जब छुट्टियां पड़ती हैं बच्चे नानी के घर ही जाते हैं हमने।
और आप देखिए पीयू जा रही है स्कूल बैग लेकर। इसको मिल गया अंशु का पुराना बैग और इसने टंगवा लिया अपने कंधे पर। बस अभी इसी तरह घूम रही है तब से ये। और अब बनाने हो गई है रात और मैं बनाने जा रही हूँ। दिन में बच गई थी मेरी दाल, तो मैं उसे आटे पे गूंद के उसके पराठे बना लूँगी, क्योंकि जब दिन में दाल बच जाती हूँ रात में खाई नहीं जाती, तो बस इसी तरह मैं उसको आटे में गूंद लेती हूँ। इससे दाल भी वेस्ट नहीं होती है और खाई भी जाता है, रोटी के साथ रोटी में मिक्स हो जाती है, इस तरह ही मिस्सी रोटी बन जाती है इसे। बस मैं इस तरह से इसे गूंद लूँगी दाल के साथ आटे में, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसके पराठे बना लूँगी। तो हो गए हैं अब 10 मिनट और अब हो गया आटा थोड़ा सा सेट, और अब मैं इसको बस पराठे बना लूँगी इसके। हो गया है मेरा खाना तैयार, मैंने बनाई थी कटहल की सब्जी और ये पराठे। अब बस अब हम इसको खाएंगे। और पीहू बैठी है ये देखिए सामने, बस मस्ती कर रही है अकेले। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।